यही बुखार किधर एक नौजवान नू अजय सारे घर नू वक्त पा देता है। सियाणा दुख ज्यादा महसूस होता है, ज्यादा महसूस होता है। एक बुढ़ा तो थरथली मचा देगा क्योंकि बहुत सियाणा हो गया, बहुत ज्यादा हूँ दुख ज्यादा प्रतीत होगा। मैं अर्ज करा जिसनों संसार दुख रूप प्रतीत नहीं आता, अजे बच्चा है, नादान है, बालक बुद्ध अजे अजे कुछ सियाना है, ये अचेत है, ये नादान है। तो हुण मैं अर्ज करदे आ एक बच्चा भी जितना दुखी हो सकता है, पशु इतने भी दुखी नहीं ने। एक पशु भी जितने दुखी हो सकते हैं, पत्थर उतना भी दुखी नहीं है। यात्रा तो पत्थरों तो शुरू हुई है। कई जन्म सैल गिर करया, ऐ बंदे पता नहीं कितनी मुदना तक तू पत्थर पै रहा है। पत्थर किसी वक्त खुलासा करेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु रामदास जी की व्याख्या, कई जन्म सैल गिर करया, गिर पहाड़ पता नहीं कितनी मुद्दत तक तू पहाड़ा का पत्थर बनया रहा है, फिर मिट्टी बनया, फिर बनस्पति बनया, फिर बनस्पति दे च उछाल पैदा होया, कीड़े मकोड़े बने, फिर उन्हां च उछाल पैदा होया, पशु पक्षी बने, फिर उन्हां च उमंग पैदा हुई, फिर तो मनुख बने। कदी कदी मनुखां च उमंग पैदा हो जाती है, परमात्मा हो जाते हैं, रब बन जाते, ईश्वर का रूप हो जाते हैं, फिर उत्थे पहुंच जाते हैं। तो मैं अर्ज करा जितना पिछे चले जाओ दुख नहीं है, पत्थरां दी दुनिया च दुख नहीं है, अगे चले जाइए कीड़े मकोड़े दी दुनिया थोड़ा है, इतना नहीं है, थोड़ा है, बहुत मामूली, थोड़ा फिर दुख बद जाता है पंछियों की दुनिया च, पशुओं की दुनिया च, पर इतना नहीं है जितना कि मनुखां दी दुनिया च है। पर मनुखां दे च भी मूर्ख लोगों की दुनिया च इतना दुख नहीं है जितना सियाणा। कोई मनुख किन्ना क दुखी है कहिंदे ने उहदी सियाणप तो पता चलेगा, उहदी सियाणप तो पता चलेगा। मिर्जा गालिब कहिंदे ने परेशानियां सारे जहां की समेट कर, ऐ खुदा कमाल दी गल है, सारी दुनिया दे कठे कीते तू दुख बेचैनियां परेशानियां, ते खुदा जब तेरे कोल होर कुछ बन नहीं सकिया, कमाल दी गल करदा है। परेशानियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ ना बना तो मेरा दिल बना दिया। रब सारी दुनिया दियां मुसीबतां बेचैनियां परेशानियां तू कठियां कीतियां, ते जब तेरे कोल कुछ होर बन नहीं सकिया तो तू मेरा दिल दिमाग बनाया, और कि मैं इतना बेचैन, मैं इतना दुखी। कोई सुख रूप संसार नहीं है, गुरु नानक कहते सब दुखी दुख, नानक दुखी आ सब संसार। जिस अद्धी रात नूं महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़िया सी ना, जिहड़ा कोचवान जिहड़ा सारथी छोड़न आया सी उहदी उम्र 60 साल सी, महात्मा बुद्ध की उम्र 22-23 साल से। ये बुढ़ा सारथी महात्मा बुद्ध को समझाता है, सारी जिंदगी लोग पापड़ बेलते हैं, इस तरह के महल नहीं मिलते जो तू छोड़ के जा रहे, सारी जिंदगी लोग खज्जल खुआर होंगे ने, यह धन संपदा नहीं मिलती जो तू छोड़ के जा रहे। कितनिया की यह चाहत आती है, आग्ञाकारी ते सुंदर पत्नी मिले, तेनों मिली हुई है और तू छोड़ के जा रहे है। कई दफा एक सुंदर बालक लई, बच्चे लई, लड़के लई लोग तरसते रह जाते हैं, तेरे घर सुंदर बालक होया है, छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा की कुछ है जो तेरे कोल नहीं है, क्यों जा रहे हैं, रोंदा होया समझ आता है। ऐसा की है
जो तेरे कोल नहीं है। तो पता है महात्मा बुद्ध ने की किया, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, सुख नहीं है, पत्नी है सुख नहीं है, बच्चा है सुख नहीं है, सोने सोने महल है गए ने सुख नहीं है, मां बाप है गए ने सुख नहीं है, पत्नी हैगी है सुख नहीं है, धन संपदा हैगी है सुख नहीं है, तेनू उन्हां च सुख दिखाई देंदा है, मैनू इन्हां च पांबड़ दिखाई देंदा, मैं की करां। रोंदा है कदमां ते पैंदा है, उहदे पैरी पैंदा है, देख अपनी जवानी, कहिंदा की देखां मैं बुढ़िआं नूं वेख रिहा, देख अपनी सुंदरता मैं की देखां मैं करूप लोगां नूं देखदा पिआ, बीमारां नूं देखदा, देख अपना ऐशो आराम की मैं खाक देखा मैं बिलकते हुए बंदे देखता पाया, अर्थियां उठ रही ने, लाशां उठ रही ने, जलदे देखता पाया, सारथी तेनू कुछ होर दिखाई देंदा, मैं की करा मैनू कुछ होर दिखाई देंदा, देखण देखण दी गल है। बाबर नू दिखाई देंदा है मौजा ही मौजा ने, दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ी रंगीन है, आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह नूं दिखाई देंदा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय दुखां तो होर कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ये बड़ा सोहना नक्शा खिंच ले रहे हैं, दुख कियां पंडा खुलियां सुख नानक से हो, किसी भी बंदे नूं खोल के वेख लो, खोल के देख लो, सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख। 12 साल की साधना करके जब परम आनंद की झलक महात्मा बुद्ध नूं मिली ना, तो वापस घर आया, मां तो गुजर चुकी सी, मां नहीं सी, मां छोटे होंदे ही गुजर गई सी, प्यो मिलिया पहले दरवाजे ते, और प्यो दा क्रोध, क्योंकि प्यो दा प्यार दिमाग दे चौंदा है, मां दा प्यार हिरदे चौंदा है, प्यो ने एकदम सीने नाल नहीं लाया, क्योंकि हाथ दे च खप्पर सी भिक्षा मंगण वाला, गल दे च कफनी वेख के गुरु नानक दी माता तृप्ता रो उठी सी, रो उठी सी, ए रूप हाथ दे च खप्पर देख के प्यो क्रोधित हो गए, बड़ी ताड़ना की थी, जिंदगी दे 12 साल कीमती तू जाया कीते, बर्बाद कीते, साढ़े घराने इस तरह का कोई दर दर का भिखारी नहीं बनिया, हटते तेरे खबर है, भिक्षा मंगता फिरदा, असी लखां दा दान करते हैं तू भिक्षा मंगता फिरदा, की हालत बनाई है तू, 5-7 ताड़ना करदे होया गालां भी कढ़ियां, जिवें क्रोध दे च आके पिता कालू ने 2 थप्पड़ भी मार दिते सी, वो गौतम दे प्यो नालों थोड़ा अगे वध गए, 2 थप्पड़ भी मार दिते, तो बिल्कुल मकट्ट सब तबाह करके आ गए, बर्बाद करके आ गए, 2 थप्पड़ भी मार दिते। यशोदन सिद्धार्थ का पिता, महात्मा बुद्ध का पिता, महात्मा बुद्ध का नाम सी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का पिता यशोदन थप्पड़ ते नहीं मारे, गालां कटियां ने, डांट रहे हैं, की लवे है तेनों, की मिले है। और जेड़े अल्फाज मैं पढ़े ने मैं हैरान होया, सिद्धार्थ यशोदन नूं अपने पिता नूं कहिंदे बापू मिलिया ते कुछ भी नहीं, पर हां जो मिलिया होया सी ना उसका पता चल गया, उसका पता चल गया, मिलिया ते कुछ भी नहीं सी, मैनू मिलिया कुछ भी नहीं है, जो मिलिया होया ही सी कदी बिछड़िया ही नहीं सी उसका पता चल गया, उसका पता चल गया।
किस दा पता चले है? मैं ते देखदा पिया भिखारी है तू, भिखारी है तू, भिक्षु है तू, मंग मंग के अपनी उपजीविका चलांदा पिया। बापू ताने वेखदा पिया मेरा, कदी थोड़ी जिहा अंदर झात मार ते दुनिया दी सारी बादशाहत मेरे कदमां च तैनू दिखाई दे। जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। बारह साल की बिछड़ी हुई यशोदरा ने भी गुस्सा जाहिर किया पत्नी ने। बारह साल का विवाह जब कट चुके तो सिद्धार्थ कहते ने इतों गुस्सा उसकी झोली च पाया जिहड़ा बारह साल पहले गया सी। वो जिहड़ा बारह साल पहले गया सी शायद यह तेरा गुस्सा झोली च पा लेंदा। वेख ते सही यह उही आया है जो बारह साल पहले गया सी। जरा पहचानन की कोशिश ते कर, जरा समझण की कोशिश ते कर। इतने ही दो बोल आखण की देर सी यशोदरा भी चुक गई, भिक्षुण बन गई सी। लेकिन रोंदी हुई कहती है इकलौता लड़का इस दे लई की है, इदी वसीयत थोड़े कोल की है? आखिर पिता की वसीयत आती है पुत्र लई, इस बच्चे लई की है, इदी वसीयत की है? तो पता है महात्मा बुद्ध की कहते ने यशोदरा हर एक दी वसीयत होई पई है। परमात्मा सब दी दौलत है, सब दी दौलत है। एक सिमरना कोल सी बच्चे नु पकड़ा दिता, यही मेरी वसीयत है, कुछ है। और कुछ ही नहीं। तो मैं अर्ज करा जितने चिर तक सारा जगत दुख ना प्रतीत होवे, जीवन दुख ना प्रतीत होवे, परिवार दुख ना प्रतीत होवे, और ये भी समझ आ जाए कम से कम मेरी लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता। पत्नी तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता। पति तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता। मित्रां तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, धन संपदा तो मेरी लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिल सकता। दुख बनिया ही रहेगा, धन मिल गया दुख बनिया रहेगा, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, लड़का हो गया लड़की हो गई, औलाद मिल गई, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, दुख तो बनिया। तो क्या पुत्रां वाले दुखी नहीं ने? ज्यादा दुखी देखे गए ने। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, पर दुख ते अपनी थां ते बने आया है। कम धंधा मिल गया, रहन नूं सोना मकान मिल गया, तरह तरह के पदार्थ मिल गए, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, दुख ते अपनी थां ते बने आया है। इस तरह जिसनों प्रतीत हो गया निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। पर कभी दिन कर दे ख्याल, जिस दिन मैं पढ़े सन मेरा मन बड़ा प्रभावित होया। मैं कई इस तरह की सोचने वाले मनुख भी मौजूद ने। वो कहिंदा जी सकता है मनुख 40 दिन रोटी तो बिना, जी सकता है मनुख पानी तो बिना 3 दिन, जी सकता है श्वासों तो बिना भी 8 मिनट, नहीं जी सकता 1 सेकंड भी मनुख आस तो बिना, आसा तो बिना, इच्छा तो कामनावा तो आशा जलाई जा रही है। आशा आज सुख नहीं मिलेगा कल मिलेगा, आशा कल ते ले लेंगे, आज कामना पूरी नहीं हुई कल पूरी होवेगी। पर अगर आपकी पकड़ दिच गल आवे तो मैं अर्ज करा ख्वाहिशा कदी किसी दिया नहीं पूरी होंगी ही नहीं। ये ख्वाहिशा का सुभाव ही नहीं है कि पूरियां हो, ख्वाहिशां की फितरत ही नहीं है कि पूरी आवन। क्यों? एक पूरी आती है 10 नूं जन्म दे जाती है, कितने पूरी हुई फिर? पहले नालों भी वध गई, पहले नालों भी बहुत वध गई, अथाह वध गई। तो संक्षेप विच अर्ज करा आसा कल ते लै जाती है। इस वास्ते सारे धर्म कहते हैं आसा का त्याग, होए निराश जमाओ करके महाराज कहते हैं।
एह मन ईटी हाथ करो उन नेत्रों नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। पर इस सब कुछ किस तरह करो, बांडा तोहे बैस दूप देव तो दूधे को जाओ। दूध कर्म पुन सुरत समायन होए निरास जाओ। सारे कर्म करें पर आशा कुछ भी नहीं, निराश निराश। कर्म करें, कर्म नाल आस ना जोड़ी। कर्म करत होवे ने कर्म, वाहिगुरु वाहिगुरु जपी आस ना जोड़ी मैनु सुख मिले ना जोड़ी। गुरुद्वारे जरूर आवी चाहत करके, उमंग करके, प्यार करके, आशा ना जोड़ी। बाणी जरूर पढ़ी तू, कीर्तन जरूर करी, कीर्तन जरूर कर सुनी, आशा ना जोड़ी। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। बड़ी औखी गल है, इच्छा ही ते गुरुद्वारे ले आई है, इच्छा ही पाठ रखवांदी है, इच्छा ही साढ़े को लंगर करवांदी है, इच्छा ही दान पुन करांदी है। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। कीर्तन सुन, बस सुन ले कीर्तन सुन, पाठ कर, करण ले पाठ कर। गुरुद्वारे आ, गुरु ले गुरुद्वारे आ। छठ इच्छा नो, छठ आशा, आशा मन सा सगल दे आ गए। आशा अज ते पूरी होनी नहीं तो आशा कल दे चले जाएगी, अज कीर्तन ही नहीं सुनेंगे। आशा कल दे चले जाएगी, अज पाठ ही नहीं करन देंगे। आशा कल दे चले जाएगी, मजा ले सेवा करन देवे, कल दिच मनुख जीवे, आन वाले कल दिच। आशा ते कल दिच रह जाएगी। इस वास्ते जोर लांदे ने महापुरुष आस दा त्याग। आशा मनसा सगल त्यागे, ये मैं बुनियादी गल्लां रख रहा, ये फोके लालच नहीं। आओ नाम जपो, थोड़िया सारिया इच्छावां दी पूर्ति होवेगी। जिथे जिथे शब्द इस तरह के हैं उन्होंने भी मतलब इन्हें सारिया इच्छावां खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं कोई। नाम जपण नाल की आता है, कुछ बहुत निर्मल कामना है, परम आनंद दी, नाम दी, प्रभु दी पूरी हो जाती है, सारिया ख्वाहिशावां मिट जांदियां, बाकी रहिंदी नहीं कुछ, रहिंदी नहीं। नाम का यह फल है, पर हूं बंदा यह सोचे नाम का फल ही है मेरिया दुनियावियां इच्छावां पूरिया होन, तो किस दिया पूरिया हुई अज तक? पहले कोई एक मनुख का तो ना लो, सारे ही रोंद मिलन गए, यह गल नहीं बनी, यह गल नहीं बनी, यह गल नहीं बनी। संसार का सारा इतिहास रोंदे पिटदियां का इतिहास है। मैंने एक गाथा चेते आई, बिस्तरे मरग ते सी, ईरान दा बादशाह फिरदौसी दा जमाना। ईरान दी धरती ने बड़े अच्छे अच्छे संत पैदा कीते ने। हिंदुस्तान तो बाद अगर कोई चोटी दे संत पैदा होए ने तो फिर चीन देश ते ईरान देश, इन्हां दो देशां ने अच्छे अच्छे संत पैदा कीते ने। ईरान देश फिरदौसी होया, शेख सादी होया, हाफिज होया, मौलाना रूम होया, शम्स तबरेज होया, उमर खयाम होया। उमर खयाम नूं ते बदनाम कर दिता लोगों ने, पता क्यों? जद कोई उस कोल पुछे रब की है तो कहिंदा सी नशा शराब। मैं थोड़े सामने रखांगा किसे वक्त, रब की है नशा शराब, यही गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, यही गुरु नानक ने कहा है, यही नंगला और मैं इस संबंध च एक किताब भी लिख रहा साखी। साखी कहते हैं शराब पिलाने वाले इस संबंधी शायद, क्योंकि हजारा टेपा ने, पर जिथे तक मेरा अंदाजा होगी किसी वक्त नाम खुमारी नानका जन्म साखी की पंक्ति पढ़ के मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हो गया। उमर खयाम बदनाम हो गया सारी दुनिया, उन्होंने शराबी करके कहा गया। शराब खाने के बाद उमर खाम खयाम की तस्वीर ला दी, शराबी शराबी।
कौन दसे? नशा उस को जरूर सी पर शराब नहीं पींदा सी, शायद शराब देखी भी नहीं सी, शराब कदी मुंह नहीं लाई सी, पर नशा जरूर सी। तुसी आखोगे शराब पींदा नहीं सी ते फिर नशा। हां वो नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। इसे नु एक आलम कहता है, जहां बिन पिए सरूर मुयसर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे है। जहां बिन पिए कोई शराब नहीं सी, कोई प्याले नहीं सन, कोई सुराइयां नहीं सन, पर सरूर सी नशा सी। जहां बिन पिए सरूर मुयसर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं। कहते मैं वो शराब खाने भी देखे ने जिथे शराब नहीं सी, कोई पी भी नहीं रहा सी, कोई प्याले भी नहीं सन, कोई सुराइयां भी नहीं सन, पर बड़े नशे विच डुबे हुए लोग देखे। सतसंग नु कह रहे हैं, मैं खाना सतसंग नु कह रहे हैं, शराब खाना सतसंग नु कह रहे हैं। जद भी किसी की सुरत जुड़ जाती है, एक नशा ही है, एक सरूर है। जहां बिन पिए सरूर मयसर था, वो महक दे भी मेरी निगाह से गुजरे हैं, तो उम्र ख्याम बेचारा ये फकीर बदनाम हो गया। इहदे कोल जद भी पुछो अल्लाह की है नशा, खुदा की है शराब, कितों आ रहे हैं? शराब खाने चो आ रहे हैं, जो मस्जिद चो आ रहे हैं ना नमाज पढ़ के, कितों आ रहे हैं? शराब खाने तो आ रहे हैं। इस तरह गुम सुन क्यों बैठे हैं? पीती है नशा है। हर वक्त इस तरह की गल्लां करन नाल उम्र ख्याम सारी दुनिया च समझिया रहेगी, यह फकीर भी उत्थे ही पैदा होया। बिस्तरे मर्ग ते पए हुए ईरान दे बादशाह ने फिरदौसी नूं कहा, और फिरदौसी का हवाला गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता है। औरंगजेब नूं जिहड़ा जफरनामा लिखिया ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, श्री मुखवाक पातशाही दसवीं जफरनामा, चे खुश गुफ्त तो फिरदौसी उस्तर जमा के जूदी बहुत कारे आखिर मना। ऐ औरंगजेब, चलो तू मेरी गल नहीं सुननी सी ते ना सुन, पर कम से कम फिरदौसी दी सुन ले। कितना सोना उसने लिखा है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। तू जल्दी जल्दी च अपने प्यो नू कैद कीता, तू जल्दी जल्दी च ही अपने भरावां दा कतल कीता, तू जल्दी जल्दी च ही जल्दबाजी च अपनी वड्डी भैण नू जेल विच मारिया, बहुत जल्दबाजी विच फकीरां नूं शहीद कीता, मेरे बच्चियां नूं शहीद कीता, मेरे पिता नूं शहीद कीता, सारा कम जल्दबाजी च कीता। और जल्दबाज शैतान हुंदा है, जल्दबाजी च निगाह गहरी नहीं जाती। महाराज कहिंदे चलो मेरी गल दा तेरे ते असर नहीं सी ते ना सी, कम से कम फिरदौसी दी सुन लैंदा, तेरा दीनी मेरा मुसलमान, तू उस फकीर दी गल सुन लैंदा। ईरान दे शहर तेहरान विच मैं देखे एक वड्डे बाजार, सड़क का नाम सी शाहराए फिरदौसी, शाहराए फिरदौसी, फिरदौसी दे नाम ते, फकीरां दे नाम ते मैं उत्थे सड़कां देखियां, खयाबान है उमर खयाम फकीरां दे नाम ते। मैं ते हिंदुस्तान विच ये आवाज उठाई सी, सारी सड़कां दे नाम फकीरां दे नाम ते, भगतां दे नाम ते चाहिए, संतां दे नाम ते, ये राजनीतिक इतने चोर डकैत इन्हां दे नां ते, इन्हां दे नां ते सड़कां दा नां, इन्हां दे नां ते एयरपोर्ट दा नां, इन्हां दे नां दे उत्ते मलियां दा नां, चोरां दे नां ते, फकीरां दे नां ते चाहिए, संतां दे नां ते चाहिए, महापुरशां दे नां ते चाहिए। धार्मिक देश है, सारे धार्मिक पुरखां नूं पिछे सुट के राजनीतिक शिखर ते बैठन सिर ते आण चढ़े। खैर इत में विचार गल आ गई, ईरान दे शहनशाह ने फिरदौसी नूं आख्या, मैं चाहना मरण तो पहले सारे संसार का जो खास इतिहास है ये मैं पढ़ लूं। तू मेहनत करेगा इतिहास लिखण की, सारी दुनिया जो खास खास घटनावां हुई ने, खास खास मनुख होए ने, खास खास उतार चढ़ाव होए ने,
तो लिख सकता है, अगर लिख सकता है तो आज ही लिखना शुरू कर, मैं पढ़ना चाहना, मैं जानना चाहना। फिर दोषी ने कहा मैं लिख सकता पर हुण मैं ये नहीं कह सकता तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं। मैं लिख सकता नहीं, मैं पढ़ांगा, लिखो। कहते दस पोथियां दे च एक साल मेहनत करके उन्हें इतिहास लिखया, दस पोथियां दे च। ते दस पोथियां चुक के एक दिन भरे दरबार दे च बादशाह दे अगों रखियां। बादशाह सलामत, तुसी कहा सी ना संसार दा इतिहास लिखो, दुनिया दा। मैं लिखे जो जो खास घटनावां होईयां, जो जो खास मनुख होए ने, जिहड़े जिहड़े दुनिया च उतार चढ़ाव होए ने, ते जितनियां दी मैनूं जानकारी ते समझ सी, मैं लिखे। पढ़ो। खिज गया बादशाह, कहिंदे हैं इन्ने ग्रंथ, इन्नियां पोथियां, इतना मेरे कोल वक्त कित्थे। छोटा कर, छोटा करके लिया, इत तू इतना अंबार चुक लिया, इतना अंबार कौन पढ़े, इतना मेरे को वक्त नहीं है। फिर दोषी कहते जहां बना मैं क्या सी ना, मैं लिख सकता, मैं लिख सकता पर मैनू उम्मीद नहीं तुसी पढ़ सकोगे कि नहीं। नहीं छोटा करके लिया, मैं पढ़ांगा। कहते बेचारे ने 6 महीने मेहनत की थी, 4 पोथियां च लिख के लिया, 6 विचों कढ़ दी। महलां च बैठा सी फिरदौसी पहुंचया, शाही फकीर सी, ठीक है सत्कार कीता, बिठाया, 4 पोथियां अगे रखिया। बादशाह कहिंदा नहीं फकीर, ये भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतना मेरे को वक्त कित्थे, इतनी सिर खपाई करा, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तू होर छोटा कर, होर छोटा कर, ताकि थोड़े जिया समझ में सारी दुनिया नूं जान जा। कहिंदे ने एक ग्रंथ का रूप बनाया उसने, एक किताब का, एक पोथी का, पर फिर भी उसके 6 महीने लग गए, 4 नूं 1 करन दे 6 महीने लगे। और फिरदौसी खुद लिखता है मैं 4 नूं जद एक कीता है स्याही नाल नहीं लिखिया, अपने खून नाल लिखे। जद मैं 10 नूं 4 विच कीता तो मैं स्याही नाल नहीं लिखिया, मैं अपने हंजुआ नाल लिखे। विचों मैनूं रो रो के कई नुक्ते कढ़ने पे, रो रो के। हुण 4 नूं मैं एक कीता अपने खून नाल कीता, बहुत जान लड़ानी पई, बड़ी सिर खपाई करनी पई, बड़ा अफसोस ते रंज होया, दुख होया कि दुनिया के संपन्न धनाट बंदे कितने मूर्ख होंदे ने, कितने मूर्ख होंदे ने। मायाधारी अन्ना बोला, बंदा जिहड़ा बहुत मसरूफ होवेगा ना, उहदे कोल धन हो सकदा है, अकल नहीं होवेगी, ये भी मैं अर्ज करदा, नहीं होवेगी। 99% धनवाना दे कोल अकल नहीं आउंदी। गोबर गणेश होंदे ने बिल्कुल, उन्होंने बच्चे भी कई दफा गोबर गणेश देखे गए हैं, कुछ भी नहीं। जिंदगी जितने चिर तक चुनौती ना हो, संघर्ष ना हो, प्रतिभा पैदा ही नहीं होती, जमाल पैदा ही नहीं होती। कहिंदा खून नाल लिखे है, एक ग्रंथ लेके अज पेश होया है सभा दे दरबार दे, दरबारी बड़े खुश, पर बादशाह फिर औखा होया। कहिंदा फिरदौसी एक दारूप ते तू बनाया है पर बहुत वड्डा पोथा है, इन्ना नहीं मैं पढ़ सकता, और छोटा कर, और छोटा कर। फिरदौसी ने अपना इरादा ही बदल लिया, नहीं लिखना। इतने मूर्ख दा मैं शाही फकीर हाँ, ठीक है शाही दरबार दा, जिवें हिंदुस्तान दे च राजे महाराजे राजगुरु रखते सन, इस तरह एक दरबारी फकीर सी, शाही फकीर सी। पर फिरदौसी कहिंदा पहली दफा पता चले, समझदा ते सी ही, एक मूर्ख दे दरबार दा मैं फकीर हाँ, मैं समझदा ते सी ही, अज वेखे
इतनी जिंदगी में एक मूर्ख दे कदम छोटेंगे। अंदरों इरादा बदल लिया, नहीं छोटा नहीं करना। होया कि अज फिरदौसी दे कन्ना च किसे ने खबर पाई, साल 6 महीने का बादशाह ते बिस्तरे मरग ते पे ते थानू याद कर रहा है। शाही तबीबा ने जवाब दे दिया, उते जा रहे है दम तोड़ रहे, थानू याद करता है, तुसी फकीर हो ना थानू याद करता है। तो तरस खा के जिवें मरदे बंदे ते तरस आंदा है, उंझ नहीं जाना सी सै, जिवें मरदे बंदे ते तरस आ जाता है तो चला गया। ये रोंदा है बादशाह, कहिंदा है बड़ी तमन्ना रह गई मेरी एक संसार नू समझण दी, तुसी बड़ी मेहनत की थी, मैं पढ़ नहीं सकिया, मैं पढ़ नहीं सकिया, ए तमन्ना ए हवस मेरे अंदर है। फिरदौसी कहिंदा फिर ए हवस दा बोझ लेके तुसी ना जाओ, ए मैं थोड़ी पूरी कर दूं, संसार दा इतिहास मैं थानू सुनाना, थोड़ा आखरी दम टुटन तो पहले सुनो। संसार दा यही इतिहास है, रोंदे हुए मनुख जमदे ने, रोंदे हुए जीवदे ने, और इस तरह तेरी तरह रोंदे हुए मर जाते ने, बस यही इतिहास है और कुछ नहीं, कुछ भी इतिहास नहीं, यही इतिहास है। दम तोड़ गया, रोंदे हुए जन्म लेंदे ने, रोंदे हुए जीवदे ने, रोंदे हुए मर जाते, और की है इस तो अलावा, और की है। जिस दिन ऐसी समझ पै जाती है मनुख निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं उदास होने लई, निराश होने लई जंगल दे जाण दी लोड़ नहीं, घर नूं ही जंगल समझ, उजाड़ समझ, की है तेरे घर दे च रे मन, ऐसा कर सन्यासा बनसे सदन सवै कर समझो, मन ही माह उदासा। खुलासा हूँ मैं कल करूँगा, बाकी क्योंकि मैंने पता नहीं सी, अज ही पता चले कि जाके हाजरी गुरुद्वारा सरी दे भी भरनी है 8:30 तो बड़ी मुश्किल नाल पहुँच सकेंगे, जिस तरह सेवा लगी संगतां दी जाके हाजरी भरनी है, इतने मैं समाप्ति करदा। कल फिर थोड़े चरण परसांगे, रे मन ऐसो कर सने आसा बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माह उदासा। सारे हार्दिक तौर पर धन्यवाद, बोल चुक दी क्षमा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।